हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ पतले बालों में ब्यूटीफुल से बन हेयर स्टाइल, 5 बन हेयर स्टाइल, वो भी सिर्फ एक हेयर ये फ्लावर हेयर क्लिप की मदद से, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ। तो आप ट्राई ज़रूर करना, जिसके भी पतले बाल हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, बहुत आसानी से बना लोगे। और ये सारे हेयर स्टाइल आप साड़ी वगैरह पे भी ट्राई कर सकते हो और पार्टी में भी ट्राई कर सकते हो। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। प्लीज़ सेकेंड चैनल पर भी ज़रूर जाइएगा। जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है हमारा, उसके लिए आपको एक पोनी बनानी है। मैं यहाँ पे लो बन बना रही हूँ, आप इसको चाहो तो हाई भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अच्छे से कॉम करने के बाद से एक रबड़ बैंड से अच्छे से बालों को टाइट कर लेना है, टाइटली रबड़ बैंड को लगा लेना है। ओके, टाइटली रबड़ बैंड को लगाने के बाद से आपको थोड़ा सा हेयर को लूज करना है और एक हॉल इस तरीके से बना लेना है, और ऊपर की सॉरी हाँ ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ इस तरीके से हेयर को इंसर्ट करना है एंड निकाल लेना है। अगर आपके पतले बाल हैं तो बहुत ब्यूटीफुल सा क्विक एक बन बन के आपका रेडी हो जाएगा और बहुत इजीली आप बना लोगे। इसके बाद से आपको बालों को थोड़ा सा, अगर आपके बाल थोड़े हैवी हैं तो और भी प्यारा बन बनेगा ये, थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरीके से एक और पतला वाला रबड़ बैंड यूज करना है। यहाँ पे पतला वाला रबड़ बैंड लगा लेना है, उसके बाद से थोड़ा सा बालों को इस तरीके से फैला लेंगे, जिससे हमारा बन थोड़ा बड़ा दिखेगा अगर पतले हल्के या छोटे बाल हैं तो। और इस तरीके से इसको रोल करना है, देन जहाँ पे आपने ट्विस्टिंग की थी यहाँ से थोड़े से बालों को खींच लेना है, क्योंकि अगर आपके पतले बाल होंगे तो बहुत ही फ्लैट नज़र आएगा इसके लिए। और इस तरीके से रखना है, और यहाँ पर आपको ये हेयर ये फ्लावर क्लिप्स ऐड करना है। थोड़ा सा आपको पोनी के हेयर को ले लेना है क्लिप्स में, देन इसको स्कैल्प के हेयर के साथ इस तरीके से अटैच कर देना है, और ये काफ़ी सुंदर सा पार्टी बन आपका बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आई होप कि आपको पसंद आया हो ये फर्स्ट हेयर स्टाइल, साड़ी पे बहुत अच्छा लगेगा। जिसके पतले हल्के बाल हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। और ये हमारा साइड का लुक है, देन सॉरी ये हमारा बैक का लुक है, और ये हमारी फ्रंट से लुक है। आप इसको सेंटर पार्टीशन से भी कर सकते हो, या फिर फ्रंट में कोई हेयर स्टाइल कर रखा है आपने उसके साथ भी कर सकते हो। बहुत सारे फ्रंट हेयर स्टाइल भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, और आप चाहो तो इसमें इस हेयर स्टाइल में थोड़ा सा इस तरीके से लेयर्स निकाल सकते हो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा स्कैल्प दिखती है तो आप ये चीज़ मत निकालिएगा, एंड यहाँ पे हेयर सेटिंग स्प्रे से थोड़ा लगा के और इस तरीके से सेट कर लीजिएगा बालों को। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, जो आप डेली में कर सकते हो, पार्टी में कर सकते हो, ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो तो कर सकते हो। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में अगेन सारे बालों को अच्छे से कॉम करना है। इसमें आप रबड़ बैंड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, अच्छे से ट्विस्ट करना है सारे बालों को, टाइटली ट्विस्ट करके इस तरीके से बन बना लेना है, रोल कर लेना है बालों को, और नीचे से हेयर का जो सेक्शन है उसको इस तरीके से खींचते हुए लेके जाना है ऊपर की तरफ, और बन के सारे हेयर्स को इसके अंदर हाइड कर देना है। ओके, और ये आपके पास एक फ्रेंच बन बन के रेडी हो जाएगा, जो कि काफ़ी इजीली बना लोगे और देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश लगता है। और इसमें भी आप ये फ्लावर वाला हेयर क्लिप यूज कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ा सा हेयर लेना है, देन स्कैल्प के हेयर के साथ इसको लगा देना है, और इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। तो ये हेयर स्टाइल भी आप पार्टी में साड़ी के साथ ट्राई कर सकते हो, साइड से कुछ ऐसा लुक आएगा। लेयर्स निकालनी है तो वो आपकी चॉइस है। तो जिसके भी पतले हेयर हैं, छोटे हेयर हैं, उनको बन बनाने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए मेरे सारे वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको जो भी हेयर स्टाइल अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऊपर से थोड़े थोड़े हेयर खींच के थोड़ा मैसी सा लुक देना है, और थोड़ा बालों को बाउंसी बनाना है, ताकि जो आपका स्कैल्प दिखता है वो ना दिखे। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया, वो भी सिर्फ एक फ्लावर क्लिप की मदद से। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको सिंपली सारे बालों को अच्छे से कॉम करना है और एक फ्रेंच बन बना लेना है।
फ्रेंच बन बनाने के बाद से इसको ट्विस्ट करना है, सिंपली ऊपर की तरफ लेके जाना है, सॉरी इस तरीके से ट्विस्ट करना है। सारे बालों को अंदर की तरफ इंसर्ट कर लेना है बन के, और एक फ्रेंच बन यहाँ पे बना के रेडी कर लेना है। ऐसे बनाइएगा कि आपके सारे जो साइड के हेयर हैं वो अच्छे से हाइड हो जाएं। उसके बाद आपको देखिए फ्रंट से भी काफ़ी अच्छा सा लुक आ गया है, और इस तरीके से हेयर को लेना है, देन स्कैल्प के हेयर के साथ लगा देना है। और ये भी हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है, हाई बन जाता है एंड बहुत ही अच्छा है, पार्टी वगैरह में आप इसको ट्राई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई भी लूज पड़ रहा है, कोई लूज नहीं है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप इसको लगा के बना के रख सकते हो। और अच्छे से ये हेयर क्लिप्स ऐड कर देना है, और फ्रंट से कुछ इस तरीके का मैसी सा लुक आपका यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया सिर्फ एक फ्लावर क्लिप्स की मदद से। तो चलते हैं चौथे हेयर स्टाइल की तरफ। चौथे हेयर स्टाइल में आपको साइड से थोड़े थोड़े से हेयर छोड़ देने हैं, और इस सारे हेयर को पीछे की तरफ कॉम करके लेके जाना है, और एक पोनी बना लेनी है। और रबड़ बैंड से टाइटली इसको, रबड़ बैंड को लगा लेना है। रबड़ बैंड को लगाने के बाद से सिंपली एक बन बनाना है इस तरीके से, छोटू सा बन बना लीजिए। और जो आपका हेयर क्लिप है कहीं से भी इसको ऐड कीजिए, सॉरी लॉ में या अपर में, अपर डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे जो ये बीच का हेयर बचता है इसमें थोड़ा सा ये फंसाना है क्लिप्स के अंदर, देन नीचे से आप इस तरीके से इसको लगा दोगे। तो ये आपका फोर्थ पार्टी बन बन के रेडी हो गया है, और ऊपर से काफ़ी लूज है जिसकी वजह से इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। और इस तरीके से आप इसको पार्टी वगैरह में ट्राई कर सकते हो ये वाला हेयर स्टाइल। और देन साइड से आपको जो आपके हेयर बचे हैं इनको लेके जाना है इस तरीके से, और ऊपर से लेके आना है। और पहले आप इस हेयर को सेट कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये हेयर क्लिप लगाइएगा। इस तरीके से लपेट देना है, देन इस साइड के हेयर को सिंपली नीचे की तरफ से कॉम करते हुए लेके जाएंगे, और इस तरीके से लपेट देंगे। और देन उसके बाद से आपको ये फ्लावर क्लिप्स लेने हैं, ऊपर से थोड़ा सा हेयर को लेना है। पहले मैं भूल गई थी फ्रंट वाले हेयर को, तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड इग्नोर, और हेयर स्टाइल को इन्जॉय कीजिए। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया, जो कि पार्टी में भी बहुत स्टाइलिश लगेगा, और बहुत ईजिली आप बना लोगे, बहुत प्यारा लगता है, और बहुत आसानी से पतले हल्के छोटे बालों में आप ये हैवी सा बन ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके का लुक आया है, इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, नीचे लगाना है नीचे लगा दीजिए, अपर में लगाना है अपर में लगा दीजिए, मुझे नीचे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने नीचे लगा दिया। तो ये हमारा चौथा हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं पाँचवें हेयर स्टाइल की तरफ। पांचवा जो हेयर स्टाइल है उसको मैं हाई बनाऊंगी थोड़ा सा, आपकी मर्ज़ी, आप नीचे भी बना सकते हो। सारे बालों को मैं ऊपर की तरफ से कॉम कर ले रही हूँ। आपको अगर इसमें कोई मांग निकालनी है तो जैसे मैंने चौथे हेयर स्टाइल में बताया उस तरीके से आप कर सकते हो, पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग लेके उसके बाद से आप हेयर बन बना के उसके साइड से आप अपने फ्रंट के हेयर को अटैच कर लीजिएगा। तो आप थोड़ा सा हाई जितना आपको ऊंचा नीचा बनाना है वो आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैंने थोड़ा सा हाई रखा है यहाँ पे बन को। इसके बाद से आपको सिंपली सारे बन को इस तरीके से फ्रंट की साइड में ले जाना है, और एक क्लचर की मदद से, मैंने यहाँ पे बड़ा वाला क्लचर यूज किया है, आप चाहो तो छोटा भी यूज कर सकते हो। जिसके पतले हल्के बाल हैं उनको थोड़ा सा बड़ा ही क्लचर यूज करना चाहिए, जिससे कि उनका जो बन है वो थोड़ा हैवी दिख सके। यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा दिया है,
मैं यहाँ पे पतले हल्के बालों के लिए ही बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा क्लचर यूज किया है। और आपके बाल अगर भारी हैं तो आपका बन तो वैसे भी अच्छा बन जाएगा, बट मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको पतले हल्के बालों के लिए हेयर स्टाइल मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक रबड़ बैंड ले लेना है, सॉरी एक रबड़ बैंड लेना है, और इस तरीके से बालों को फैलाते हुए इसके साइड जितने में आपका क्लचर अच्छे से हाइड हो जाए वहाँ पे एक रबड़ बैंड लगा देना है, और जो पोनी का हेयर बचा हुआ है उसको अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है। और उसके बाद अगेन आपको ये हेयर क्रंची ले सॉरी हेयर क्लिप्स लेना है फ्लावर वाला, और थोड़ा सा बाल हेयर आपका पोनी का होना चाहिए, देन थोड़ा सा स्कैल्प का, और इसको अच्छे से अटैच कर देना है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा हाई बन हमारे यहाँ पे बन के रेडी हो गया, वो भी पतले हल्के एंड छोटे बालों में। आप ये बना सकते हो, जिनके भी शोल्डर लेंथ हेयर है वो ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकता है, और बहुत ही स्टाइलिश सा हैवी बन यहाँ पे बन के हमारा रेडी हो गया है। आप फ्रंट से भी देख सकते हो इसका लुक। अब थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच लेना है जिससे आपके बालों में वॉल्यूम दिखे, आपका स्कैल्प जो दिखता है वो ना दिखे, और इधर के जो बेबी हेयर्स होते हैं वो हमारे हेयर स्टाइल को ख़राब कर देते हैं। उसके लिए आपको इस तरीके का सेटिंग स्प्रे लेना है, पतले दांतों वाला कॉम लेना है, इसके ऊपर सेटिंग स्प्रे को इस तरीके से लगा लेना है, एंड जो आपका हेयर दिख रहा है, सॉरी इस साइड मैंने हेयर सेटिंग स्प्रे लगाया था, उसके पास आप इसको कॉम कर दोगे, आपका पूरा दिन हेयर जैसे चाहते हो वैसे टिका रहेगा, और बहुत अच्छा लगता है, मतलब एलिगेंट टाइप का हेयर स्टाइल दिखता है। तो ये हमारा पांच हेयर स्टाइल हो गया जो आज मैंने बताया है पतले हल्के बालों में सिर्फ एक फ्लावर क्लिप की मदद से, ब्यूटीफुल से फाइव बन हेयर स्टाइल ईजी हैं, आप सभी ट्राई कर सकते हो। और जिसके भी पतले हल्के बाल हैं उनको ये सारे हेयर स्टाइल सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको हेल्प मिल पाए। और मेरी वीडियो आप लोग को आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।